हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ने तिल के डिशेस तो बना के रखे होंगे क्योंकि मकर संक्रांति आ चुका है। अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ तिल और पीनट के चिक्की। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में तो हर किसी को पसंद है ही, और मकर संक्रांति में अगर ऐसा कुछ बन जाए तो क्या बात है। इसके लिए हमें चाहिए पीनट्स लगभग 100 ग्राम, यानी कि हमने यहाँ पे मूंगफली लिया है और मैंने यहाँ पे तिल ले लिया है 100 ग्राम, और यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है लगभग 150 से 200 ग्राम तक। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पीनट्स है मैंने इसको पहले ही रोस्ट कर लिया है। आपको तेल से फ्राई नहीं करना है, आप बस तवे पे उसे रोस्ट कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम तिल को भी रोस्ट कर लेंगे, इसमें तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे हम पहले इसे रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम। वैसे आप सभी ने क्या बनाया है वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, और आपका फेवरेट डिश क्या है तिल का वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ पे तिल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, हम इसे साइड में रख लेंगे। तब तक के लिए मैं गुड़ की चाशनी बना लेती हूँ। तो मैंने ये सेम पैन यूज़ किया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ, उसके बाद इसका चाशनी बना लूँगी। चाशनी बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और जैसे कि थोड़ा हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक इलायची ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे इलायची के दाने ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वैसे आपने ये लाइन तो सुना ही होगा ना कि तिल गुड़ घ्या आनी गोड़ गोड़ बोला। महाराष्ट्र में ये बहुत ही अच्छा लाइन है क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम सभी परिवार साथ में मिलते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, और सभी मिलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो इसी बहाने आप भी घर पे बनाइए तिल गुड़ का ये चिक्की जिसमें हमने पीनट्स भी ऐड किया है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया। वैसे जैसे ही आपने देखा कि गुड़ यहाँ पे अच्छे से पिघल चुका है, इसकी चाशनी बहुत अच्छे बन चुकी है, तब मैंने यहाँ पे पीनट्स और तिल ऐड कर दिया। अगर आपको गुड़ की चाशनी का कंसिस्टेंसी नहीं समझ में आता है तो आप एक बाउल में पानी लेके उसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर वो गुड़ उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया और वो बिल्कुल चिपकने लगा तो समझ लीजिए कि वो गुड़ अच्छे से कंसिस्टेंट हो चुका है। अब उसमें आप तिल और मूंगफली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो परफेक्ट बन चुका है। मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब हम इसकी बर्फ़ी टाइप बनाएंगे ना, जब हम इसकी चिक्की बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी सटे ना और बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। इसलिए मैं गुड़ को यहाँ पे और ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, और जैसे ही गुड़ ड्राई हो जाए, अच्छे से चिपक जाए, उसके बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी और उसके बाद ही मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ। प्लेट में डालने के बाद इसे अच्छे से बराबर कर लेना है, एक शेप में लेके आना है ताकि जो हमारा चिक्की है वो परफेक्ट शेप में बने। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए इसी टाइम पे मैं इसे बराबर कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा और ठंडा होगा उसके बाद मैं इसे फिर से बराबर कर लूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है और एक अच्छे पोर्शन में मैंने इसे डाल दिया। अब मैं इसे इक्वल यानी कि प्लेन कर लूँगी ताकि जब मैं इसे कट करूँ तो बहुत अच्छे से कट हो जाए और शेप भी परफेक्ट आए। अब आप देख रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ से प्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है। आप चाहे तो 2 से 3 घंटा साइड में रख सकते जिससे अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसे निकाल के आपको दिखाएंगे कि ये कितना परफेक्ट बना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा तिल और पीनट का जो चिक्की है वो परफेक्ट बन चुका है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत क्रिस्पी होता है। आप भी इसे बना के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।